रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से जंग चल रही है, लेकिन अब इसमें एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दरअसल रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन अब रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकी ने यूक्रेन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। इस जंग के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजबूत करने में मदद मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए नॉर्थ कोरिया की ये मदद काफी जरूरी कदम साबित होगी। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि रूस और यूक्रेन इस वक्त सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जो मदद नॉर्थ कोरिया करने जा रहा है उससे रूस के हालात बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जंग के लिए रूस को 12,000 सैनिक मदद के लिए भेजे हैं। ये आंकड़ा रूस के लिए इस वक्त काफी मायने रखता है। किम जोंग पुतिन को भेजेंगे 10,000 सिपाही। रूस की मदद के लिए पागल हुए किम जोंग। ये जानकारी नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी द्वारा सामने आई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस को युद्ध में मदद के लिए हजारों सैनिक भेजे हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते किए गए थे और जाहिर सी बात है ये उनमें से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक पहले ही रूस के लिए रवाना हो चुके हैं, हालांकि इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। हालांकि अभी तक सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उत्तर कोरिया द्वारा भेजे गए सैनिकों की खबर में कितनी सच्चाई है। अब जब रूस को इतनी बड़ी मदद मिली है तो यूक्रेन कैसे पीछे रह सकता है? बड़ी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को मदद का हाथ बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने ये घोषणा कर दी है कि देश 49 पुराने M1A1 एब्राम्स टैंक यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से इन टैंकों की मदद मांगी थी। मार्लिस ने बताया कि इन टैंकों की कीमत 24,50,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, यानी कि लगभग 16,30,00,000 अमेरिकी डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया में पुराने टैंकों की जगह अब 75 नए चमचमाते M1A2 टैंक लेंगे। दुनिया भर के अलग अलग देश अपनी अपनी क्षमता, प्राथमिकता और हितों के मुताबिक इस जंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।